आपको मैनेजमेंट का नाम नहीं पता है, आपको जो मैनेजर है उनका नाम नहीं पता है आपको। यहाँ पे स्वास्थ्य साथी कार्ड एक्सेप्टेड है, कुछ लोगों का कर रहा है जैसा पार्टी देख रहा है, कुछ जीएम है, उसके बावजूद भी उन लोग पैसा नहीं कर सकते तो लाए क्यों है, मत लाते, क्यों लाए आप लोग अगर अफोर्ड नहीं कर सकते। बोल रहे पहले पैसा जमा दीजिए तब पेशेंट को जमा लेंगे, हम लोग कहाँ से भी लाएंगे, कैश तो पेमेंट उठाने पड़ेगा ना। टेस्ट लिख के दे दिया कि ये वाला टेस्ट कल करवाना होगा, और अभी तक हम लोग पूछे रिपोर्ट में क्या हुआ कुछ बताइए, कुछ नहीं बता रहा है रिपोर्ट में क्या हुआ क्या नहीं, कुछ नहीं बता रहा है। डेली का एंजियोग्राफी है, कार्डियोग्राफी है, हर तरह का टेस्ट लिख दिया, जो रिपोर्ट का बाहर में 15,000 है वहाँ यहाँ पे 20,000 25,000, जो अल्ट्रासाउंड का 1500 लेते हैं यहाँ पे 2500 करके, हर चीज़ में डबल डबल पैसा। मेडिसिन मेरा फार्मेसी है, बाहर से मेडिसिन नहीं ले सकते, आपको यहाँ आकर प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा, यहीं से मेडिसिन होगा, बाहर का मेडिसिन मिली, हाँ मेडिसिन दिया, लेकिन आप बाहर से नहीं लेके आ सकते। यहाँ पे एक्सेप्टेड है स्वास्थ्य साथी कार्ड, लेकिन यहाँ पे ना कोई काउंटर है ना, इसलिए क्योंकि पेशेंट को पता चलेगा एक्सेप्टेड है तो सब एक्सेप्ट स्वास्थ्य साथी कार्ड यहाँ पे जमा करवाएगा, लेकिन यहाँ पे जैसा देख रहा है नहीं एक्सेप्टेड है लेकिन ले रहा नहीं। सबसे लेके बैठता है 700 रुपये, यहाँ पे 1500 रुपये का 3 दिन का 4500 रुपये चार्ज किया है फीस बेवजह का। डॉक्टर खाली आया चेक किया, राउंड मारा चले गया, 4500 रुपये चार्ज दो 3 राउंड का। यहाँ पे ले गया तो बोला फार्मेसी से नहीं लिए तो आपका एक्सेप्टेड नहीं होगा, जबकि मैंने बोला कि आपका तो यहाँ काउंटर बंद था, आप कैमरा चेक कर लीजिए, तो बोलते सस्तों काटी काट बोल रहा नहीं चलेगा, आप लोग कैश दीजिए, सब जगह चल रहा है कि अभी ये टेस्ट करा लो जल्दी से पे करो, उतना देर से नहीं बोला, अभी बोला है पे करने के लिए। अगर आप पश्चिम बंगाल में रहते हैं तो आप ममता बनर्जी की हेल्थ स्कीम स्वास्थ्य साथी कार्ड के बारे में ज़रूर जानते होंगे, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि कैसे इस कार्ड के बावजूद लोगों को परेशानी हो रही है, कैसे लोग अस्पतालों में इस कार्ड के बावजूद भी 30,000 से 50,000 रुपये तक अस्पतालों को दे रहे हैं। हालाँकि लोग ये पैसे देने में असमर्थ हैं, फिर भी जान बचाने वाले डॉक्टर्स को पहले पैसे चाहिए फिर अस्पताल में दाखिला लेंगे। इस वक्त हम कलकत्ता के SS चैटर्जी हॉस्पिटल में हैं, आप देख सकते हैं ये हॉस्पिटल है, यहाँ पर बहुत बवाल मचा हुआ है स्वास्थ्य साथी कार्ड को लेकर के। कुछ लोग बोलते हैं कि स्वास्थ्य साथी कार्ड हॉस्पिटल वाले एक्सेप्ट कर रहे हैं और कुछ पेशेंट के स्वास्थ्य साथी कार्ड डॉक्टर्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ये लोगों की शिकायतें हैं कि अगर हम 2 दिन पहले आएँ तो मेरा एक्सेप्ट हो रहा है और दूसरे का नहीं हो रहा जो 2 दिन बाद आ रहे हैं। इस चीज़ को लेकर के काफ़ी जगह पर पश्चिम बंगाल में काफ़ी हॉस्पिटल्स में भी इस सब चीज़ों को लेकर के बवाल मचा हुआ। एक हार्ट पेशेंट है जो बहुत परेशान है, डॉक्टर रेफर नहीं कर रहा है और काफ़ी मतलब बिल्स बनाए जा रहे हैं, ये भी शिकायत है कि इनके साथ में ये प्रेशराइज किया जाता है पेशेंट को कि आप जो भी मतलब मेडिसिन लीजिए वो मेरे ही फार्मेसी से लीजिए। आइए हम इनसे लोगों से बात करते हैं। कल हम लोग लेके आए, बोल रहे पहले पैसा जमा दीजिए तब पेशेंट को जमा लेंगे, हम लोग कहाँ से भी लाएंगे, कैश तो पेमेंट उठाने पड़ेगा ना, जिसका हाथ में है वो जब जाएंगे तब ना उठाएंगे या लड़की को देंगे, बोले नहीं अभी पेमेंट कीजिए तब पेशेंट को लेंगे। फिर भी हम लोग परसों नहीं 4 दिन हो गया, 4 दिन से 4,400 सीट का भाड़ा, डॉक्टर का बोल रहा 701,000 रुपया भाड़ा सब हम लोग को दो, सस्तों काटी काट बोल रहा नहीं चलेगा, आप लोग कैश दीजिए, सब जगह चल रहा है। बोला दिया है बोला एक्सेप्ट नहीं किया, वो लड़की का भी 50,000 खा लिया है, बोलता अभी मतलब पूरा टेस्ट लिख के दिया। फिर दूसरा बात बोल रहा है कि हार्ट है, हार्ट रहता है तो आप हमको लिख के दीजिए जो हम एक्सरे कराया है, जो हम रिपोर्ट कराए, बोलता मुंह से बोल रहा है, हम बहुत चिल्ला चिल्ली किया तब वो बोला रिपोर्ट बना के दिया, सब चीटिंगबाजी कर रहा है, चीटिंगबाज है डॉक्टर। तबियत खराब था लेकिन हार्ट का कुछ प्रॉब्लम हुआ था, इसलिए हम लोग को एक जन वहाँ पे जो डॉक्टर था पीजी में वो बोला कि यहाँ पे आके ये डॉक्टर को दिखाइए ये अच्छा है, ऐसा बोला हम लोग को। हम लोग लेके यहाँ पे आए, मम्मी का पहले बोला कि ये टेस्ट कराना है वो टेस्ट कराना, हम लोग सब कुछ कराए, हम लोग को नहीं पता था कि इतना पैसा लगेगा। एक बार में कल हम लोग का सिर्फ 40,000 लगा, फिर आज हम लोग का 10,000 लगा। हम लोग सर से जाके भी अभी जस्ट बात करके आए, सर से बोले सर हम लोग की मेरे तो पापा भी नहीं है, मेरी मम्मी है, मम्मी का जैसे कार्ड है स्वास्थ्य साथी कार्ड होता है वो है, तो सर उसमें तो कुछ तो देखिएगा ना, तो बोला उसमें कुछ नहीं होगा जनरल ब्रेड में दे देंगे। मैं कल ही आया था तो हम लोग बोले कि हम लोग का अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो लोग बोले कि 3 दिन का बेड हम लोग और जो डॉक्टर का चार्जेस लगता है वो दे देंगे, बाकी जो टेस्ट वगैरह होगा और दवाई होगा वो आप लोग को करना पड़ेगा, और संगे संग ये वाला दे दिया है क्लिनिक में जो डॉक्टर संगे संग टेस्ट लिख के दे दिया कि ये वाला टेस्ट कल करवाना होगा, और अभी तक हम लोग पूछे रिपोर्ट में क्या हुआ कुछ बताइए, कुछ नहीं बता रहा है रिपोर्ट में क्या हुआ क्या नहीं कुछ नहीं बता रहा है, बोले कि कल आइए कल बताएंगे। जी हाँ, ये हाल लगभग सभी अस्पतालों का है, लेकिन आज हम आपको महानगर कोलकाता के SS चैटर्जी हॉस्पिटल का हाल बता रहे हैं। यहाँ लोगों की शिकायत है कि इलाज से लेकर दवाइयाँ तक में धांधली हो रही है,
अस्पताल का कहना है कि दवा अस्पताल के अंदर मेडिकल स्टोर से ही लेना पड़ेगा, वरना वो दवा हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यहाँ तक कि इलाज और रिपोर्ट में लोगों को उलझा दिया जा रहा है, यहाँ तक कि समरी रिपोर्ट के लिए 500 रुपये भी चार्ज लिए जा रहे हैं। मेरे पापा है फैयाज अहमद, ठीक है, रात में हम लोग लेके आए 3 बजे रात में, ठीक है, आए तो पहले बोले आपको 30,000 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा एडवांस में, तो हम लोग तो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, आप कुछ कम समय नहीं, हम लोग पेशेंट को नहीं लेंगे, पहले आप पेमेंट करिए, ठीक है, पेमेंट करने के बाद में हम लोग 30,000 नहीं कर पाएंगे, 10,000 कर देंगे एडवांस, अगर एडवांस आपका प्रोटोकॉल है तो, बोले नहीं हम 20,000 से नीचे नहीं लेंगे, वरना पेशेंट्स को नहीं लेंगे। वो हो गया, उसके बाद हम लोग 20,000 रुपये लिए, पेमेंट किए, पेमेंट करने के बाद में डेली का एंजियोग्राफी है, कार्डियोग्राफी है, हर तरह का टेस्ट लिख दिया, जो रिपोर्ट का बाहर में 15,000 है वहाँ यहाँ पे 20,000 25,000, जो अल्ट्रासाउंड का 1500 लेते हैं यहाँ पे 2500 करके, हर चीज़ में डबल डबल पैसा, मेडिसिन मेरा फार्मेसी है, बाहर से मेडिसिन नहीं ले सकते, आपको यहाँ का प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा, यहीं से मेडिसिन होगा, बाहर का मेडिसिन मिली, हाँ मेडिसिन दिया, लेकिन आप बाहर से नहीं लेके आ सकते हैं, आप यहीं से लीजिएगा एडवांस, हर चीज में एक्सीड है, रिपोर्ट नहीं दे रहे, मुंह से बता दे रहे, वर्बली बता दे रहे, रिपोर्ट नहीं दे रहे, हार्ड कॉपी नहीं दे रहे। जैसे हम आएंगे समरी रिपोर्ट देने के लिए, तो उन लोग सिर्फ बोल रहे हर हॉस्पिटल चार्जेस नहीं करता है, मैया हॉस्पिटल बोल रहे 500 रुपये चार्जेस लगे, क्योंकि हम लोग का रूल्स है, लिया है पैसा ले लिया है चार्जेस के लिए, मैं कोई हॉस्पिटल समरी रिपोर्ट के लिए चार्जेस नहीं लेता हूँ, क्योंकि डॉक्यूमेंट मेरे पास ऑलरेडी रिपोर्ट्स मेरे पास है, और बेड का चार्ज नहीं लगेगा, जो और सब चीज है वो सबका चार्ज लगेगा। हम लोग बोले सर इतना तो हम लोग से नहीं हो पाएगा, जहाँ से भी हम लोग कैसे कैसे मांग के 50,000 रुपया मतलब किसी और से मांग के हम लोग ला के अपनी मम्मी का इलाज कराए हैं, सर अगर नहीं होगा तो मम्मी को डिस्चार्ज कर दीजिए, तो बोला नहीं ऐसे नहीं होता है, 3 दिन और रखना पड़ेगा, 3 दिन का और बिल देना पड़ेगा, हम लोग से पहले ही 20,000 रुपया ले लिया था। बेड का चार्ज कितना ले रहे हैं? बेड का चार्ज 5,000 ले रहे हैं। शिकायतें अभी और भी हैं, अस्पताल का कहना है कि अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप पेशेंट को लाए क्यों हैं, ये जवाब सुनकर आपके सीने में अगर दिल है तो आप जरूर दहल जाएंगे। मेरे पास है जीएम है, उसके बावजूद भी उन लोग पैसा नहीं कर सकते तो लाए क्यों है, मत लाते क्यों लाए आप लोग अगर अफोर्ड नहीं कर सकते। अब आप बताइए, इमरजेंसी पेशेंट जिनके हार्ट में प्रॉब्लम हो तो क्या आप अपने मरीज को लेकर इधर उधर दौड़ेंगे या प्रॉपर इलाज करेंगे? लेकिन इन्हें दौड़ना पड़ रहा है, क्योंकि जिस अस्पताल में वो मरीज को लाए हैं वहाँ सही इलाज नहीं है। यहाँ पे एक्सेप्टेड है स्वास्थ्य साथी कार्ड, लेकिन यहाँ पे ना कोई काउंटर है ना, इसलिए क्योंकि पेशेंट को पता चलेगा एक्सेप्टेड है तो सब एक्सेप्ट स्वास्थ्य साथी कार्ड यहाँ पे जमा करवाएगा, लेकिन यहाँ पे जैसा देख रहा है नहीं एक्सेप्टेड है, लेकिन ले रहा नहीं, सबसे जिसको देख रहा है दे नहीं पाएगा कैश, लास्ट में उसको पता है आपका एक्सेप्टेड है, यही यहाँ पे ही चल रहा है। बहुत सारे पेशेंट है यहाँ पे, अभी जितने भी 30-40 लोग हैं, बाहर में भी और भी थे, अभी सब अपने अपने जगह पे बोले पेशेंट को निकाल रहे, बस यही सब है प्रॉब्लम यहाँ पे, कुछ कोऑपरेट नहीं है कुछ। यहाँ पे 1500 रुपये का 3 दिन का 4500 रुपये चार्ज किया है फीस बेवजह का, डॉक्टर खाली आया चेक किया राउंड मारा चले गया, 4500 रुपये चार्ज दो 3 राउंड का। डॉक्टर हार्ट का दवाई लिखता है 99% चार है, चारों का चारों ब्लॉकेज है, मेरे को यहाँ पे दवाई अगर मिल जाता तो हम बाहर में पेशेंट को इतने खतरे में डाल के छोड़ के हम दवाई तो बाहर से ढूंढ के नहीं लाने की जरूरत थी, यहाँ पे मुझे दवाई नहीं, फार्मेसी बंद था, रात का टाइम था, 3 बज रहा था, मैं ढूंढ कर बाहर से लेकर आया दवाई, रात में जब इनको दवाई देने गया तो बोला फार्मेसी से नहीं लिया है तो आपका एक्सेप्टेड नहीं होगा, जबकि मैंने बोला कि आपका तो यहाँ काउंटर बंद था, आप कैमरा चेक कर लीजिए, तो बोलता है नहीं यहाँ पे नहीं, आपको यहीं से देना पड़ेगा, वरना आप मैनेजमेंट से बात करिए, सीधा यहाँ पे बोले नहीं अभी तक नहीं हुआ है, अभी बोला है अभी हम लोग गए हैं, अभी किया नहीं है, अभी कल आज तक में जो भी बिल किए सब पैसा दे चुके हैं, अब जब मैं अभी बोल के सर को आई हूँ तो अभी मुझे ये वाला दिया है, बोला कि अभी ये टेस्ट करा लो जल्दी से पे करो, उतना देर से नहीं बोला, अभी बोला है पे करने के लिए ये वाला, ठीक है, और बोला कल से हम देख रहे हैं, कल से जनरल बेड में दे देंगे और कल से देख रहे हैं, अभी भी अभी आखिर रेफर करना पड़ रहा है, इसलिए अच्छा होता तो हम लोग कहीं लेके नहीं जाते, ट्रीटमेंट अच्छा नहीं है, कोऑपरेट नहीं किया, प्लस हैरेसमेंट किया पेपर के लिए, इसी वजह से हम लोग यहाँ से आपका ट्रांसफर कर दिया गया, हम लोग खुद हालत खराब हो गया, कंडीशन खराब, इस कंडीशन में उनको व्हीलचेयर में एम्बुलेंस करके भेजे, कोई यहाँ पे पेशेंट का ये हालत है, 99% ब्लॉकेज है, पूरा हार्ट ब्लॉक है, इस सिचुएशन में कोई भी घर का इंसान या परिवार ये नहीं चाहेगा कि बाहर में हम पेशेंट को लेकर रोड पे निकले, किसी को कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे यही हुआ, लास्ट में मजबूरी में मुझे यहाँ से लेके निकलना पड़ रहा है, ठीक है ना, यही सब यहाँ पे हो रहा है और कुछ नहीं। और एक सिंगल या मरीजों के परिवारों की भी यही शिकायत है कि इस अस्पताल का रिव्यू भी बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि लोगों को प्रॉपर इलाज नहीं मिल रहा है, हेल्थ डिपार्टमेंट के अलावा अफसरों को जरूर इस पर ध्यान देना चाहिए।
बार बार आपको बोल रहा है, इनका रिव्यू आप ऑनलाइन में एक बार चेक कर लीजिए, अगर एक भी इंसान का इनके सपोर्ट में कोई भी रिव्यू दे देता है अगर, तो आपका जूता मेरा सर। एक बार आप चेक कर लीजिए गूगल में जाके एसएससी चैटर्जी हॉस्पिटल का। जब हमने इनके रिव्यू की शिकायत सुनी तो हम भी गूगल पर चले गए। जब हमने इसको पड़ताल की तो वहाँ भी लोगों का दर्द लफ्जों में साफ झलक रहा था। कोई यहाँ के डॉक्टर्स को मिसबिहेव करने वाला बता रहा था तो कोई यहाँ के सिस्टम की कमी को दर्शा रहा था, तो कोई अपने पीड़ा को सुना रहा था। उनमें से एक शख्स ये भी थे जो कह रहे थे कि यहाँ के रिसेप्शनिस्ट के बिहेवियर बिल्कुल अच्छा नहीं है, और ये बात हम लोगों ने खुद भी देखा है। जब लोगों की शिकायत सुनने के बाद हम अस्पताल मैनेजमेंट से बात करने पहुँचे तो उन्होंने कहा कि सर अभी नहीं है, और रिसेप्शन में बैठी मैडम ने कहा कि उन्हें अस्पताल के मैनेजर का नाम ही नहीं पता है। जब इन्हें अस्पताल मैनेजर का नाम ही नहीं पता है तो फिर ये पेशेंट को कैसे ठीक तरीके से ट्रीट करते होंगे। जब हमने अपने कैमरे को ऑन किया तो वो चुप हो गई और कुछ नहीं बोली। आपको मैनेजमेंट का नाम नहीं पता है? आपको जो मैनेजर है उनका नाम नहीं पता है आपको? आपने तो पेशेंट को बोला था कि जब पेमेंट नहीं है तो आप लोग आते क्यों यहाँ दिखाने के लिए? यू आंसर लाइक दिस। क्या नाम है मैनेजर का, नाम बताइए, कौन है इंचार्ज? अभी तो आप बहुत बोल रहे थे, आप एकदम चुप हो गए, कोई जवाब ही नहीं दे रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया न्यूज। We'll be right back.